या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 323। शुदम व तकरीर खूब कर दी, मनम गुलाम इमाम अस्तम, या अली मदद, जो कुछ भी मेरे लिए कहा गया वो महज इमाम की रहमत है और कुछ नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल मुस्तफा व आले मोहम्मद अल मुस्तफा इला कयामा। मैं अपनी आवाज के पहले ये दुरूद पढ़ा करता हूँ कि खुदाया मोहम्मद जो मुस्तफ़ा हैं और उनकी जो आल जो मुस्तफ़ा बरगुजीदा है, कयामत तक उस आले पाक के ऊपर दुरूद व सलाम हो। अब मरा समी राजा चालो रे मौला नाज़िर इमाम पे सलवात मोड़ो। अल्लाहुम्मे सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन, एक दुआ है पीर सदरुद्दीन की, ऐ मेरे मौला, मेरे मालिक, तू आके मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से बांध डाल ताकि ये किसी और तरफ न जाए। अब हमारा स्वामी राजा, धर्मी राजा, तेरे नाम से मेरे मनड़ो बांधो। फिर फरमाते हैं, ऐ मोमिनो, सत्य के रास्ते के ऊपर हक पे इस तरह चलो, अपने मुर्शिद के पीछे इस तरह चलो कि जिस तरह सुई के पीछे धागा चलता है, जिस सुराख में से सुई निकलती है धागा उसी रास्ते से निकलता है। सुई मुर्शिद है, धागा मोमन है। अगर धागे के अंदर किसी वक्त गांठ पड़ जाती है तो धागा रुक जाता है या टूट जाता है। हमको पीरों ने गिनानों में छोटी छोटी ऐसी बहुत सी मिसालें दी हैं कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हमारे सामने आती हैं और उसमें से हम ज्ञान हासिल करते हैं, उसमें से हम इल्म हासिल करते हैं। एक दफा पीर सदरुद्दीन किसी रास्ते में से जा रहे थे, बहुत लोग इकट्ठे थे, हुजूर गए उधर तो देखा कि दो पोल बांधे हुए हैं और उसके ऊपर रस्सी बांधी हुई है और एक आदमी इस रस्सी के ऊपर चल रहा है। आपने बहुत दफा टीवी के अंदर इस किस्म के प्रोग्राम सुने होंगे। एक दफा कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर के ऊपर, वहां बहुत बड़ी आबशार है, पानी गिरता है, और इस जगह एक आदमी ने वॉलंटियर किया अपने आप को कि इस आबशार के दोनों किनारों के ऊपर बड़े बड़े पोल बांध के रस्सी बांधी गई, वो रस्सी तो वायर थी, और उसके ऊपर वो आदमी एक कुर्सी लेके, एक छतरी लेके
और एक रुबाब लेके यानी वायलिन लेके, अब चूंकि वो आदमी उधर का रहने वाला था तो उसने खीसे में शराब की एक बोतल भी रखी। अब वो ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के बिल्कुल सेंटर में जाके उसने कुर्सी रखी और कुर्सी इस तरह रखी कि दो पांव कुर्सी के ऑपोजिट तार के ऊपर थे और दो बाहर थे। अब वो इस कुर्सी के ऊपर बैठा, बैठ के उसने छतरी खोली और उसके बाद उसने वो वायलिन निकाली और बजाने लगा। अगर वो जरा सी भूल करे, गिर पड़े, तो वो तो बह जावे। नायगरा फॉल्स की ये बात है। इस बात को तकरीबन 15-16 साल हो गए, लेकिन आज तक भी मशहूर और उसकी फिल्म उतरी हुई है। कहने का मतलब ये था कि ये हर आदमी इस तरह नहीं कर सकता, फिर भी अगर कोई चाहे तो कर सकता है। इसमें कोई इबादत वगैरह के कोई रूहानी चीज न थी, ये क्या था, ध्यान लगाने की बात थी, दिलचस्पी लेने की बात थी। तो गुरबी सदरदीन जब आगे गए तो देखा कि पोल के ऊपर एक लड़का रस्सी बांध के रस्सी पे चल रहा है। नटनिया खेला जुग मेरा चाया जीवने, डोर तना दूजा नजर न आवे जेनी, सुरती लागी छे सुरती लागी छे जेनी, भ्रमण भागी छे। हमारे पीर घूमते रहते थे तरह तरह की सोसाइटी में, अलग अलग मुल्कों में, और जो जाहिर की चीजें वो देखते थे उसमें से कोई चीज नसीहत के तौर पे लेके अपनी जमात को सुनाया करते थे। अब ये बात के पी सदरदीन ने इस आदमी को चलते हुए देखा और उसमें से क्या निकाला कि सुरती लगी। सुरती का मतलब ध्यान। ये चीज हमें बैतुल ख्याल में काम आती है, जो कि हमें दुआ में भी काम आती है। इस नट ने, नट कहते हैं एक्रोबेट को, तमाशा करने वाला, जुग में उसने दुनिया में एक खेल रचाया है कि उसको ये जो डोर है, वो जो धागा है या वायर है, रस्सी है, उसके बगैर उसको और कोई चीज नजर नहीं आती। इर्द गिर्द बच्चे हैं, शोर मचा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, मगर उसकी सारी कॉन्सेंट्रेशन इस रस्सी के ऊपर और अपने बैलेंस के ऊपर है। उसका ध्यान किधर भी नहीं जाता और वो काम करता है कि जो ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकते। फिर फरमाते हैं कि जिसकी सुरती लगी उसके दिल के शक दूर हो गए। भ्रमणा कहते हैं शक को। ध्यान लगाने की बात है। ये जो हमारी तीन वक्त की दुआ है, इसका दर्जा बैतुल ख्याल जितना है। हालांकि बैतुल ख्याल के अंदर जो चीज है वो जिक्र है, और बैतुल ख्याल के अंदर दाखिल होना यानी इमाम के हुजूर में जाके जिक्र इसमें आजम लेना। हजर इमाम के जौमे के अंदर ऐसा फरमान हुआ कि ये तुम्हारा फर्ज नहीं, मजबूर नहीं बनो, मर्जी है कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मामा फरमाया इसमें दाखिल मत हो। मगर हम लोग जब मौला आते हैं तो इस तरह जाते हैं कि जिस तरह शहद की मक्खियां टूटती हैं, मौला फिर भी कहते हैं ये चीज कोई जरूरी नहीं, अगर तुम करना ही चाहते हो तो अपने दिल पे इस बात के लिए तय करो कि मैं करूंगा तो तुम लो, लेकिन मेरे पास से इसमें आजम लेके तुम सो जाते हो या इस पे अमल नहीं करते। मामा फरमाया ये बात मुनासिब नहीं है। दुआ है वो हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन दुआ क्या है, इसमें आजम और दुआ में इतना ही फर्क है कि दुआ फर्ज है, इसमें आजम लेके बैतुल ख्याल में दाखिल होना फर्ज नहीं।
मगर दोनों इबादत है। अगर हम अपनी दुआ के अंदर ख्याल रखें, ध्यान रखें, तो दीनदारों आपको दुआ के अंदर दीदार हो सकता है और दीदार होता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर तुम ध्यान से दुआ पढ़ो तो दुआ में दीदार हो सकता है। दुआ के अंदर बड़ी खूबियां हैं। जब हम इमामों की पुठियों पे आते हैं, अगर आपका ध्यान दीदार के वास्ते है, अगर आपके दिल के अंदर दीदार की तमन्ना है, अगर आप इमाम को प्यार करते हो, और अगर आप दुआ बिस्मिल्लाह से लेके आखिर तक जब हम अपने मुंह के ऊपर वो 3 दफा हाथ फिराते हैं जो रसूल अकरम की आदत थी, जमीन के ऊपर हम हाथ रख के अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी दफा वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और तीसरी दफा वो अशहदु अन्ना अलीयुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। ये हमारी तरीके का कलमा है, ये हमारे ईमान का कलमा है। गैरों के सामने हम ये कलमा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ लेते हैं। अली का कलमा हमारा तरीका है, जो हमारे लिए राज की बात है, जो हमारे दिल को बेचैन कर देता है, जो हमारे दिल के अंदर गुदाजियत पैदा करता है। गुदाज कहते हैं नरम कर देता है, सख्ती निकल जाती है, गुरूर निकल जाता है, जिद निकल जाती है, और हिर्स व हवा खुद गर्जी निकल जाती है। अली का नाम लेने से दिल नरम हो जाते हैं। तो ये अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह तक मैं आपको कह रहा था कि ये रसूलुल्लाह की आदत थी। हुजूर नबी करीम जब नमाज अदा हो जाती थी तो हुजूर दोनों हाथ उस जगह के ऊपर जहां आपने सजदा किया है, वो जगह की खाक जो थी ना, वो खाक लेके अपने मुंह पे मला करते थे, इसलिए कि सजदा कहां किया है, खुदा के पांव पे। तो वहां की खाक उठा के नबी पाक अपने मुंह के ऊपर मला करते थे, 3 दफा मला करते थे। अब हुजूर अपने मन में क्या बोलते थे वो हमें पता नहीं, लेकिन यह रिपोर्ट हदीसों के अंदर है कि रसूल अकरम नमाज के बाद सजदा की जगह की मिट्टी अपने चेहरे पे मला करते थे, इसलिए कि अपनी हलीमी जाहिर करें और खुदा ताला के हुजूर में अज्ज व इनकसारी जाहिर करें। वही बात हमारे यहां है, हमारे दूसरे भाई भूल चुके इन चीजों को। मैं बहुत अफवाजों में कहा करता हूं कि हमारा सारा तरीका जो है वो रसूलुल्लाह के जमाने से चला आता है। अब ये बात हदीसों में मौजूद है, हदीसों में मौजूद है। हम जो दुआ पढ़ने के बाद मुश्किल आसान की तस्बीह निकालते हैं, दूसरे नहीं निकालते, हम निकालते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह तस्बीह निकाला करते थे। तो मेरी अर्ज यह थी कि अगर हम अपनी दुआ में शुरू में ही खुदा की हम्द व तारीफ करने के बाद, उसकी बड़ाई करने के बाद, उसके पास दुआ मांगने के बाद कि हम तेरी ही मदद चाहते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, और हमें बचा उस रास्ते पे जाने के से कि जिस रास्ते पे चलने से लोगों ने जुल्म किया और तेरा उन पे गजब उतरा, ऐ मालिक हमको उस राह पे लगा कि जिस राह पे चलने से तेरी नियामतें उतरी। ये जो वर्ड नियामत है ना, एक तो ये है कि अहदना सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल अज़ीन अनअमता, ये प्लूरल है, सीगा जमा है और सीगा हाजिर है, अभी की बात है, इस वक्त हो रहा है, और जमा होने की वजह से एक नेमत नहीं, हजारों नियामतें हैं खुदा की, बेहिसाब बख्शीशें हैं। अच्छी तंदुरुस्ती भी खुदा की नियामत है। अगर एक आदमी ने सारी जिंदगी कभी किसी से उधार नहीं मांगा, मदद नहीं मांगी, तो वो बड़ा खुश नसीब है, ये खुदा की नियामत है। और अगर घर के अंदर, कुटुंब का विलेज के अंदर अगर सुख है, इत्तेफाक है, कोई झगड़ा नहीं, ये खुदा की नियामत है। अगर किसी आदमी को दुनिया के अंदर
घर के अंदर बाहर अंदर उसकी इज्जत है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं, तो ये खुदा की नियामत है। अगर एक आदमी का व्यापार इतना अच्छा है कि उसको भले वो मालदार ना भी बने लेकिन खाने पीने की कोई तंगी नहीं, ये खुदा की नियामत है। अगर उसको खुदा ने इल्म दिया है तो ये खुदा की नियामत है। अगर उसके दिल में खुदा की मोहब्बत है तो ये खुदा की बड़ी नियामत है। अगर उसको इबादत का शौक है तो ये खुदा की रहमत और नियामत दोनों है। तो ऐसी बहुत सी नियामतें हैं जो खुदा जब राजी होता है तो देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब खुदा किसी पे राजी होता है तो उसको इल्म और हिकमत देता है। इल्म तो समझे, हिकमत कहते हैं अक्ल को, हकीमाना ख्यालात देता है उसको। और खुदा ताला खुद हकीम भी है, खुदा अलीम भी है, अलीम व खबीर है। दुआ के अंदर खास तौर पे जब हम सजदा करते हैं, अगर वो राजी हो जाए और आपका ख्याल ऐसा लग जाए जैसा कि डोर के ऊपर चलने वाले आदमी का है, जैसा कि बैतुल ख्याल की इबादत में होता है, तो दीनदारों क्या होता है, मुश्किलें हल होती हैं और इंसान को नूर मिलता है। जब हम आखिरी पाठ पे पहुंचते हैं और हम उस वक्त कहते हैं अल्लाहुम्मा बहक के अली अल मुर्तजा, तो हमें अली का दीदार हो गया। अगर हम कहते हैं बहक के मौलाना अल हुसैन, तो हमें हुसैन का दीदार हो गया। अगर हम कहते हैं मौलाना मोहम्मद अल बाकिर, तो हमें इमाम बाकिर का दीदार हो गया। अगर हम कहते हैं मौलाना अल मुस्तनसिर बिल्ला, तो मौलाना अल मुस्तनसिर बिल्ला इजिप्ट में थे उस वक्त, वो कैसे थे, हमें उनकी शक्ल व शबाहत उनका दीदार हो गया। अगर हम कहते हैं मौलाना अबू जर अली, तो हजरत अबू जर अली इमाम थे हमारे, उनकी क्या शक्ल व शबाहत थी, हमको उनका दीदार हो गया। ये जो 48 इमाम गुजर गए, हम इसमें से जिस इमाम का चाहें हम उसका दीदार करें। उनकी कैसी शक्ल थी, कितने लंबे थे, पतले थे, मोटे थे, आपके सामने उसकी तस्वीर आ जावे। कभी ख्याल किया आपने कि ऐसी चीज बन सकती है? बन सकती है, बन सकती है, इतना ही नहीं बनती है। सब कुछ खुदा ने हमें बख्शा है इस घट के अंदर। फिर सदरुद्दीन कहते हैं कि जो सब कुछ खुदा की कायनात, जितने भी खुदा ने कायनात बना रखी है, उसकी तमाम क्रिएशन के अंदर जो कुछ है वो तुम्हारे दिल के अंदर है। जो ब्रह्मांड है से पिंड है, जो कुछ खुदा ताला ने ब्रह्मांड में यूनिवर्स में बनाया है वो तुम्हारे घट के अंदर है। मौलाना रूम कहते हैं कि एक दिन अल्लाह ने रसूल पाक को कहा, ऐ नबी, जमीन और आसमान के अंदर मैं कहीं समा नहीं सकता, मैं इतना बड़ा हूं, क्योंकि ये सब उसने बनाया है, तो जो चीज उसने बनाई है वो उसकी ताकत के अंदर है, यानी उसकी कब्जे के अंदर है, उसके कंट्रोल में है, कोई चीज उसके कंट्रोल से बाहर नहीं, और वो बहुत बड़ा है साइज में भी, कुवत में भी, हर शय के अंदर। खुदा ताला एक जगह कहता है कि तमाम कायनात जो है वो मेरी कुर्सी के कब्जे के अंदर है, उसके मातहत है। यहां कुर्सी का मतलब अथॉरिटी, खुदा ताला का जो ताकत है उसकी अथॉरिटी है, उसके मातहत है, जैसे बादशाह के मातहत सारा मुल्क होता है। तो ये सब चीजें जो खुदा ने बनाई हैं वो इंसान के अंदर है। ऐ नबी, मैं आसमान जमीनों में बुलंदी और पस्ती में कहीं समा नहीं सकता, लेकिन मैं मोमन के दिल में समा जाता हूं। ये एक अजीब चीज है, और है भी अजीब चीज कि मोमन खुदा ताला को अपने दिल में पाता है। दीदार सिर्फ बैतुल ख्याल में होता है, ऐसी कोई बात नहीं, बैतुल ख्याल के बाहर भी, यानी अगर बैतुल ख्याल का बोल ना भी लेवें, लेकिन हमने कभी दुआ के अंदर ऐसी कंसंट्रेशन की कि जैसी मैंने आपको अर्ज की है
तो उसको उस दुआ में दीदार होता है। हमारे ये करोड़ों भाई जिन्होंने हजार बरस से हजर इमाम को जाहिर भाने देखा नहीं, कभी नहीं देखा, अरे मौला की तस्वीर भी नहीं देखी हजार साल से। लाखों भाई हमारे चीन में हैं, रशिया में हैं, अफगानिस्तान में हैं, नॉर्थ के अंदर भरे पड़े हुए हैं। हजारों ऐसे इस्माइली हैं कि जो इराक, ईरान और तुर्की के इस इलाके के अंदर हैं, जिनको बहुत से लोग जानते भी नहीं कि वो इस्माइली हैं, मगर वो इस्माइली हैं। अब ये तमाम लोग जिनका मैंने जिक्र किया है, उन्होंने हजार साल से हजर इमाम को जाहिर में कभी नहीं देखा, लेकिन हजार साल से वो ईमान सलामत लेके बैठे हुए हैं। कैसे मोमन होंगे? उनकी गर्दनें कट गईं, मां बाप के सामने छोटे बच्चों को शहीद किया गया, दरख्तों के ऊपर इस्माइलियों के पांव बांध के ऊंधा लटकाया गया कि वहीं उनका गोश्त सड़ सड़ के गिरता रहा और हड्डियां गिरती रहीं, कुछ हड्डियां दरख्त के अंदर अटकी रहीं, और मेरे को ये समा देखना पड़ा और मैं देख के आया। ऐसे वाकयात हमारी हिस्ट्री के अंदर बेहिसाब हैं। 1916 की लड़ाई जारी थी, 1914 और 18 की जो लड़ाई थी जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं, उस लड़ाई को शुरू करने वाले कैजर था जर्मनी का, विलियम कैसर, और उसके साथ तुर्की ने साथ दिया क्योंकि तुर्की और जर्मनी दोस्त थे। और वो जमाना था कि अब्बासी उस्मानिया खिलाफत का जमाना था और सुल्तान अब्दुल हमीद खलीफा था मुसलमानों का, और वो तुर्की का सुल्तान था। मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक जितने भी मुस्लिम ममालिक थे वो सब सुल्तान अब्दुल हमीद को अपना खलीफा मानते थे, और तुर्की का ये सुल्तान अब्दुल हमीद ऐशो आराम के अंदर मस्त पड़ा था। उसको कुछ पता ना था कि सल्तनत क्या चल रही है। तवाइफुल मलू की थी, रिश्वत चलती थी, तमाम किस्म की बदियां बुराइयां आ गईं, मगर वो खलीफा था इसलिए लोग उसके खिलाफत का खुतबा पढ़ता थे। लड़ाई का जोर बहुत पड़ गया, आदमी बहुत मारे गए, पैसे की भी जरूरत थी, और किसी ने मुखबर ने खबर दी कि ये जो इस्माइली हैं सलमिया के अंदर, इनके पास जो आगा खान को ये पैसे देते हैं वो जमा पड़े हैं और बेहिसाब माल है। हमारी जो कारसाजी होती इमाम की दसवंत, इमाम की मेहमानियां वगैरह, लड़ाई के जमाना होने की वजह से मौला के हुजूर तक न पहुंच सकी, और इस चीज को वहां के मुखी ने दफन कर रखा था। जब ये खबर मिली तो उसने अपने गवर्नर को, जो सलमिया सीरिया का गवर्नर था, उसको लिखा कि इस्माइलियों का जो मुखी है उसके पास जाके ये पैसे लो, और अगर नहीं देता तो उसको जेल में बंद कर दो। गवर्नर आया, मुखी ने कहा मेरे पास माल नहीं है, खुदा की कसम भी खाई कि मेरे पास माल नहीं है, और उसके पास नहीं था, उसने तो जमीन में दफन कर रखा था। बहुत सख्ती करने के बावजूद भी जब कुछ ना मिला तो एक इस्माइली दाई, उस वक्त उसकी उम्र लगभग 80-82 बरस की थी, और मुखी वो भी बड़ी उम्र के थे, इन दोनों को जेल में डाल दिया। मुखी अगर जेल में गया तो जमात तो बेचैन हो गई। दो इस्माइली रात को सफर करके नंगे पांव सलमिया से निकले, रात को सफर करें, दिन को छुप जाए, मुबादा किसी के हाथ न पड़ जाए। दिनदारों ऐसा करते करते तकरीबन 6 महीने के बाद बंबई पहुंचे। लड़ाई के जमाने में सफर करना बहुत मुश्किल था, और उस जमाने में एरोप्लेन नहीं थे। इमाम जो है ना वो हर चीज जानता है,
और हर इस्माइली को ये ईमान होना चाहिए। अगर किसी इस्माइली का ये ईमान नहीं है कि मौला सब कुछ जानता है, और अगर उसको ये शक है तो वो पक्का इस्माइली नहीं है। ये इस्माइली तरीका, बाहर हम कुछ भी बोले, और अपने सच्चे ईमान को उन लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए कि जो हमारे ईमान को नहीं समझ सकते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में यानी अंजील में लिखा है कि तुम्हारे जो मोती हैं वो सुअर के सामने मत फेंको, सुअर का नाम लिखा है, स्वाइन के सामने पॉल्स मत फेंको। अपने ईमान को, हकीकी ईमान को छुपा के रखो। जो अपने हैं वो तो समझ जाते हैं, इमाम हर शय जानता है, वो बोले ना बोले और बात है। अब ऐसे वक्त के अंदर कि 1916 यानी 15 की आखिर और 16 की जनवरी की शुरुआत थी, मौला कराची आए। उधर से दो आदमी मौला को मिलने के लिए आ रहे थे, वो यूरोप नहीं गए क्योंकि यूरोप में वो लड़ाई में से निकलना नहीं चाहते थे। दूसरा, यूरोप में उनको मौला कहाँ मिलेगा पता नहीं था, मगर उनको ये इल्म था कि बम्बई दरखाना है, हम अपनी शिकायत बम्बई ले जाएंगे तो मौला तक पहुंच जाएगी। और दूसरा ये था कि मौला की जो माँ थी माता सलामत, वो बम्बई में रहती थी, पूना में रहती थी। तो ये दो उधर से निकले। अब देखो यहाँ क्या हुआ। आज मैं आपको एक ऐसी बात सुनाता हूँ, शायद मैंने कहीं कही भी हो तो याद नहीं आता। कराची की चार औरतें, उनके नाम भी मुझे पता है, मैं जिक्र नहीं करूंगा, बहुत अरसे से मौला इधर नहीं आए थे, जमाने की हालत बड़ी खराब हो रही थी। इन चार औरतों ने ये जूना जो खारा दर में जमा करना पड़ा है, इसके ऊपर औरतों की बंगली सेपरेट थी उस वक्त, तो ये औरतों की बंगली, बैतुल ख्याल की बंगली जो अलग थी, ये रात को 12:45 बजे जामे ये चार औरतें, उस वक्त जो जमात भाई था उसको कसम खिला दी कि बिल्कुल किसी को कहना नहीं, और ये औरतें मेहमानी लेके रात को 12:45 बजे बैतुल ख्याल की बंगली में पहुंचे, दरवाजे बंद करके, बत्तियां भी न जलावे ताकि किसी को पता न लगे, और ये चार औरतें खड़ी होके इबादत करें। इनका मकसद क्या था कि या मौला तू कराची पधरामनी कर। 8 दिन हुए, एक हफ्ता गुजर गया, इमाम का एक तार मिला। तार में यह लिखा था कि मैं बहुत बिजी हूं, लड़ाई का जमाना है, बहुत काम है, सख्त मसरूफ हूं, मैं नहीं आ सकता। बस तो जमात हैरान थी, मगर जिनको पैगाम मिलना था वो सुन चुकी थी, इनकी इबादत जारी रही। 7 दिन गुजर गए और ये 7-7 दिन का सताड़ा बनाती थी। दूसरा 7 दिन का वक्फा गुजर गया, मौला का एक तार आया कि मैं सख्त बिजी हूं, मुझे बुलाने की कोशिश मत करो, मैं सख्त मसरूफ हूं। जमात के जो बड़े थे वो हैरान थे, इस दूसरी तार पर से पता चलता है कि कोई मौला को बुला रहा है, लेकिन ये एक मुएम्मा था जो हल नहीं होता था। तीसरा हफ्ता गुजरा, एक तार मिला, इन भाइयों को कहो मुझे बुलाने की कोशिश मत करो। लेकिन कौन सी भाइयां, नाम ठाम कुछ नहीं, जमात में कहा गया कौन बोले। चौथा हफ्ता हुआ तो मौला का तार आया, मैं कराची आता हूं,
देखा इबादत की कैसी कशिश है। मगर ये सारा अरेंजमेंट मौला ने करवाया। इन चार औरतों के दिल में ये बात डालने वाला कौन? यही तो था। और ये बात क्यों डाली? वो दो आदमी चले आते थे, उन दो आदमियों को मिलना था। अब यहां आने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। यूं ही यकायक मौला चला आवे तो हम लोग परेशान हो जाएं। मौला आए, किस तरह है? मार्शल्स में से मौला निकले। इसमें थोड़ी हिस्ट्री भी है कि जो मैं बयान कर दूं, क्योंकि ये लिखे हुए वाकयात नहीं हैं और मैं आज बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है। फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबल में कोई ना कोई आदमी जब ये अपनी तारीख लिखेगा तो शायद उसको ये वाकया मेरी रेफरेंस से काम आएंगे। मौलाना इमाम मार्शल से निकले, HMS दिल्ली स्टीमर का नाम था, वो मनुअर थी, मैनुअर यानी वॉरशिप थी, HMS दिल्ली। और इस स्टीमर के अंदर, इस मनुअर के अंदर, उस जमाने का ब्रिटिश का जो वॉर मिनिस्टर था लॉर्ड किचनर, वो साथ था। और लॉर्ड किचनर इंडिया की तरफ आ रहा था। उसको ये सारा जो पैसेज था खलीज अरब का यानी अरेबियन सी और बहरे हिंद का, उसको मुसाफरी करनी थी। इंडियन आर्मी की वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहा था। जब ये स्टीमर माल्टा पहुंची, मेडिटेरेनियन की एक पोर्ट है, माल्टा एक आइलैंड भी है, माल्टा पहुंची तो हजरत इमाम किचनर को कहते हैं, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं, मैं यहां उतरना चाहता हूं, तू भी उतर जाना, दूसरी स्टीमरें बहुत है, हम जाएंगे। उसने कहा कि योर हाइनेस, मैं वॉर मिनिस्टर हूं, लड़ाई सख्त जोरों पर है, मैं कैसे उतर सकता हूं? हुजूर ने उसको बहुत कहा कि तू एक दिन उतर दिए, भले स्टीमर खड़ी रहे, कल जाएंगे, मैं थोड़ा इलाज करा लूं। वो नहीं माना। फिर उसने कहा कि अच्छा, मेरी लड़की है, ये आप साथ इधर ले जाओ अपने, मैं जाता हूं। स्टीमर निकलने से पहले हजर इमाम फिर उसको कहते हैं, सुल्तान मोहम्मद शाह, लॉर्ड किचनर साहब का बहुत दोस्त था, उसने माजूरत चाही। अच्छा, माल्टा से ये स्टीमर उठी और 6-7 घंटे के पीछे टॉरपेडो लगा, स्टीमर डाउन, लॉर्ड किचनर उसमें मर गया। साहब उसको बचाना चाहते थे, लॉर्ड किचनर मर गया, उसकी लड़की मौला के साथ थी। सरकार इधर कराची में उतरे, इधर जब उतरे तो मौला के आने से पहले, मैं आपको इसके साथ हिस्ट्री और भी बयान कर दूं, मौला के आने से पहले कराची के जो बोहरे भाई थे, उनका, उनके अपने दाई और उनकी कम्युनिटी का जो रिलीजियस लीडर है, जिसको वो लोग दाई मुतलिक कहते हैं, वड़ा मुल्ला साहब जो आज है, इसके बाप की बात करता हूं, उनके साथ जरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो ये बाज बोहरा अपनी जमात से अलग हो चुके थे। इनको ख्याल आया कि चलो हम आगा खान साहब के पास जावें, वो भी इमामत का दावा करता है, और अगर हमारी अर्जी मंजूर हो गई तो हम इस्माइली बन जाएंगे। वैसे बहुत इस्माइली हैं, मगर वो निजारी नहीं है, हम निजारी हैं, वो मुस्त अलविया हैं। दाढ़ियों को हलूद लगा के, पगड़ियां पहन के, शेरवानियां पहन के, हार फूल लेके आए और खड़े थे। अपनी जमात ने उनको इनवाइट भी किया था। सुबह डे ब्रेक 5 बजे, अंधेरा था और मौला उतरे लाइटों के अंदर। लड़ाई का जमाना था, सिक्योरिटी भी बहुत थी, ठंडी बहुत थी। मौला जब ही उतरे, अपनी जमात के जो बड़े थे वो मौला को मिले, तब वो लॉर्ड किचनर की लड़की भी उतरी, 17 के 18 साल की होगी। वो जरा सर्दी की वजह से थोड़ा कांप रही थी,
मौला ने एक अपने जमात के किसी वॉलंटियर या ऑफिसर को हुक्म किया कि ऊपर जाओ, इसकी केबिन में जो ओवर कोट पड़ा है वो लेके आओ, इसको ठंडी लग रही है। तो ऊपर जाके इसकी केबिन में से वो कोट लेके आया, फर का कोट था। मौला ने खुद कोट लेके इस लड़की को कोट पहनाया। हमारा हजर इमाम, हम किस नजर से देखते हैं वो दुनिया को बिल्कुल इल्म नहीं। लेकिन जब बोहरा भाइयों ने ये देखा कि इमाम है और गैर औरत को ये कोट पहना रहा है, वो तो अपना हार तुरा लेके वापस चले गए। उनका ईमान जो आने वाला था ढच्चू पच्चू, वो इस एतकाद से आ रहे थे कि इस्माइली बन जाएंगे, हम इसको अपना इमाम मान लेंगे। मगर इमाम ने उनको नहीं लेना था। देखो क्या खेल रचाया, 17-18 साल की एक लड़की को कोट पहनाया। वो बोले अब वो इमाम हुए, बीजानी बाइडी ने कोट पहनावे, वो जमाना और था, आज और है। मैं आपको 75 वर्ष की 80 वर्ष की बात सुना रहा हूं। ये लोग चले गए, मौला अपने बंगले गए, और यहां वो जो दो इस्माइली जो बंबई जा रहे थे, यहां इमाम को मिले। इमाम की हुजूर में जब लेके गए, कामड़िया हाजी मौला के हुजूर में थे। जब इन्होंने मौला के पास जाके अर्ज की कि खुदावन, हमारे मुखी को और हमारे दाई को सुल्तान अब्दुल हमीद की गवर्नर ने जेल में डाल दिया, तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि मेरे ये दोनों मुरीद जेल में मर गए हैं। इनको पता नहीं था, क्योंकि ये 6 महीने पहले निकले थे। इमाम ने इनको कह दिया कि वो गुजर गए हैं। मौला फरमाते हैं, हाजी कमरिया, जी सरकार, हाजी कमरिया साथ खड़े, हाजी कमरिया हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप और सुल्तान मोहम्मद शाह माँ बाप की खिदमत करते रहे, सारी जिंदगी खिदमत की। ये 1916 की जनवरी का वाकया है, और इसी 1916 में थोड़े महीने के बाद हाजी कमरिया गुजर गए। हाजी कमरिया जी, खुदावंद, अब्दुल हमीद को कहो तुमने हमारे मुखी को हमारे दाई को मार डाला, वल्ला तुम्हारी सल्तनत के टुकड़े हो जाएंगे। अभी सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहां बैठे बैठे तो ये बात सुनी नहीं, लेकिन इमाम के मुख में से ये चीज निकल गई कि तेरी सल्तनत के टुकड़े हो जाएंगे, और 2 वर्ष के अंदर सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसकी सल्तनत के टुकड़े करके कुछ टुकड़े फ्रांस खा गया, कुछ ब्रिटिश ले गया, कुछ ब्रसल्स वाले ले गए, बस इस तरह से इसके टुकड़े हो गए। छोटा सा हिस्सा जो तुर्की था वो आज बाकी रहा। ये भी जाने वाला था 1919 के अंदर, लॉर्ड जॉर्ज के साथ लड़ के मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने तुर्की को बचाया है। और लॉर्ड जॉर्ज को साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जीती हुई सल्तनत। ब्रिटिशों के जमाने के अंदर बहुत बड़ा दबदबा था, दुनिया का सबसे बड़ा ताकत वाला राज था ये, और फिर भी लड़ाई में जीते हुए। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लॉर्ड जॉर्ज को कहते हैं कि अगर तुम ग्रीस फौज को नहीं कहोगे, ग्रीस की फौज को, तो मैं खुद तलवार लेके लड़ाई में लड़ने जाऊंगा, और तुर्की को बचाकर मैं ग्रीक्स को बाहर निकालूंगा। उसके बाद ये मामला पलटा, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के मुंह से निकला कि हम इसके सल्तनत के टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े हो गए। मैंने ये बात कहां से शुरू की थी कि अगर इमाम की खातिर, मजहब की खातिर अगर जान देनी पड़े तो खुशी से दे लो। मैंने आपको कहा कि मां बाप के सामने 6-6 महीने बच्चों का खून किया गया, इस्माइली बच्चों का। इस्माइलियों को पांव से बांध के ऊंधा लटकाया गया कि हड्डियां और गोश्त गल गया। इस मुखी और दाई ने जान दे दी, लेकिन इमाम का राज खोला नहीं। हमारा मजहब ऐसा है, कुर्बानियों से भरा हुआ है। हम इस्माइलियों ने अपने मजहब के लिए बड़ी कुर्बानियां की हैं। अगर तारीख पढ़ो तो आपको इस चीज का पता लगे। मगर हमारे दिल के अंदर जो हजर इमाम के लिए मोहब्बत और ईमान है,
वो ईमान ऐसा हो कि जब हम मौला का नाम लेवें, जब हम इबादत करें, जब हम दुआ पढ़ें, जब हम तस्बीह निकालें, तो पीर सदर दिन कहते हैं, डोर तना दूजा नजर ना आवे जिन सुर ते लगी छे। उस धागे के ऊपर, डोरी के ऊपर वो चल रहा है, उसकी कंसंट्रेशन है। ऐसी कंसंट्रेशन हमें दुआ में होनी चाहिए। दुआ के अंदर इन लोगों को जिन्होंने हजार बरस से हजरत इमाम का दीदार नहीं किया, ये लोग खुद कहते हैं कि हम जब दुआ पढ़ते हैं तो हजरत इमाम का हम दीदार करते हैं। और ये लोग ऐसा कहा करते थे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की ऐसी शक्ल है। और जब उनको हिंदुस्तान में आने का मौका मिला और हिंदुस्तान में आके जमातों में मिले और इमाम की जब फोटो देखते थे, तो वो बहुत दफा कहते, हाँ मैंने ऐसा दीदार किया जैसा कि फोटो के अंदर हजर इमाम की शक्लो शबी थी। तो वो कभी कहते थे कि मैंने ऐसा दीदार किया। जमात के अंदर, इस जमात खाने के अंदर के दुनिया का कोई भी जमात खाना, हम इस जमात को पीरों के लफ्जों से कहते हैं गत। गत का मतलब हाजिर जमात। जो नीचे बैठे हैं वो गत में नहीं है, जो बाहर घरों में बैठे हैं वो गत में नहीं है। गत का मतलब जो ये चार दीवारी के अंदर, हाँ जमात खाना छोटा हो गया, हाजिरी बहुत हो गई, सीढ़ी के ऊपर ऊपर या नीचे बैठे हुए हैं, वो ये नियत करके आए हैं कि हम जमात खाने जाएंगे। अब जमात खाने में जगह नहीं तो वो नीचे ऊपर बैठ के वो भी गत में है, क्योंकि वो इस नियत से आए हैं। तो ये लोग गत में आए हैं। तो गत जो है वो मौलाना हजर इमाम की हाजिरी में रूहानी बच्चों के तौर पे अपने रूहानी माँ और बाप के सामने बैठे हैं। जी कतरे सरोवर माँ जीलंता मोती मोला कलादा जी जतन करीने राख जो तो मुलायद के रो आवे जी सत समझी ने रहिए अवर दूजा ने ना कहिए। गैर को अपना भेद मत बताओ। तुम आगा खान को क्या मानते हो? हमारा इमाम है, बस खत्म हो गया, इसमें सब कुछ आ गया। लेकिन हम क्या मानते हैं वो हम जानते हैं, वो हमारा सब कुछ है। इसलिए फिर कहते हैं कि गत सरोवर है, एक झील की तरह है, इसमें बेहिसाब मोती हैं। इन मोतियों को संभाल के रखो, इनकी कदर करो। ये मोती बख्शीशें और नियामतें हैं। मोती अमूलक लादा, जतन करके, लफ्ज जतन पे जोर दिया है, मेहनत करके, ख्याल करके ये मोतियों को संभाल के रखो। है जिंदा तो क्या सवाब मिला है? तुमने एक हाथी मौला को मेहमानी की, इतना सवाब तुम्हें है जिंदा कहने में। है जिंदा कहता हस्ती नुदान। अभी है जिंदा क्या है? कुरान शरीफ की एक आयत है, हुवल हय्युल कयूम। कुरान शरीफ में है, अल्लाहु ला इलाहा हुवल हय्युल कयूम, आयतुल कुर्सी की एक आयत है कि वो अल्लाह है, कि उसके बगैर और कोई नहीं, कि जो हय है और कायम है। इसी शब्द को, लफ्ज को हमारे पीरों ने, हय का मतलब जिंदा है, कयूम का मतलब कायम है, मौजूद है, हय जिंदा कायम पाया। ये तो कुरान शरीफ के अल्फाज हैं। मस्जिदों में जाके ये हमें आवाज सुनाई नहीं देती कि हयुल कयूम। मस्जिदों में जाके हमें इस किस्म के मोती नहीं मिलते, ये तो गत के अंदर आते हैं,
आयतुल कुर्सी को हम लोग हर रोज सुबह शाम याद करते हैं। है जिंदा, सुनने वाले जवाब देते हैं कायम पाया। वो परवरदिगार, जमीन व जमान पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन, वो इस जमात खाने के अंदर हाजिर मौजूद बैठा है अपनी नूरानी हालत में। आए जिंदा, कहा तो एक हाथी की मेहमानी की खुदा के रस्ते में, खैरात की। और जब हम कायम पाया कहते हैं तो पिछले दिन फरमाया, तुमने घोड़ा खरीद के खुदा के राह में खैरात किया, या हजर इमाम की मेहमानी की, इतना तुम्हें सवाब है। हजर इमाम आते हैं तो कोई मोटर की मेहमानी करता है, मोटर की ऑफर करता है, तो मोटर की जगह आप हाथी ले लो, घोड़ा ले लो। है जिंदा, कायम पाया। और फिर हम अंदर आते हैं, मुखी साहब के पाठ तक या औरतें का मन यानी मुखियानी के पाठ तक हम जाते हैं ना, तो हमको पीरों ने सिखाया, आज सीखो। आप लोगों में से मेजोरिटी ये बात नहीं समझते, आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि है जिंदा कायम पाया के बाद जब तक इधर आओ रस्ते में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, दिल में दुरूद पढ़ते आओ, दुरूद पढ़ते आओ, सलवात पढ़ते पढ़ते आओ, लाइन में खड़े हो, सलवात पढ़ते रहो, जब तक के मुखी कमड़िया मुखियानी कमड़िया तक जाके आप जो कुछ भी नजराना रखना है, नहीं रखना तो ना सही, भले आप करोड़ों पति हो, में आपका दिल नहीं चाहता, खाली हाथ से भी दुआ करा सकते हो, कोई पैसे नहीं मांगेगा, मुखी साहब आपको खाली हाथ से भी दुआ देंगे। हमारे मजहब के अंदर पैसे की कोई वक़त नहीं है, बिल्कुल वक़त नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमारे मजहब में पैसा ही पैसा है, मैं कहता हूं कहां पैसा है, हमारे मजहब में कोई टिकट नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर नहीं दोगे तो मुखी कांवड़िया मांगते नहीं है, देना तो दो, नहीं देना तो ना दो, पैसे की कोई वक़त है ही नहीं, हम तो पैसे को डस्ट समझते हैं। लेकिन चूंकि हमारे दिल के अंदर मौला की मोहब्बत है, हम राजी खुशी देना चाहते हैं। कोई 5 पैसे की दुआ कराता है, कोई 50 रुपए की दुआ कराता है। एक दफा मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में हसनाबाद हर रोज 40 मेहमानियां हों में, तो मौला के हुजूर में अपनी जमात के एक बड़े लीडर ने मेहमानी रखी। वो जमाने के अंदर मेहमानी के 100 रुपए होते थे, 36 रुपए लेते थे फ्रूट के लिए, ताकि हर आदमी फ्रूट खरीद के ना लावे, जमात 4-5 थाले फ्रूट के लेके रखती थी और एक मेहमानी से दूसरी मेहमानी में से बदलते रहते थे। 100 रुपए मेहमानी के, 36 रुपए फ्रूट के होते थे, और इस 36 रुपए के अंदर 10 रुपए इंक्लूड होते थे गरीबों के लिए, यानी 101 रुपया मेहमानी का, सच्चा बोलूं तो 25 रुपए फ्रूट के, 10 रुपए हजर इमाम को देते थे, ताकि वो अपने हाथ से मेरी तरफ से जिस गरीब को देने होंगे उसको देवे, वो गरीब फंड जुड़ा रहता था। इस तरह हर मेहमानी वाला 136 रुपए देता था। तो ये आदमी जिसकी मैं बात करता हूं अपनी जमात का बहुत पैसे वाला आदमी था, वो जमाने के अंदर 10-12 लाख रुपए का मालिक था, 136 रुपए रखे हुए हैं। मौला आके बैठे, फैमिली बड़ी थी, माँ बाप उसको जानते थे पर्सनली, तो मौला ने उसका नाम लेके कहा कि तुमने हमारे लिए मेहमानी रखी। कहते हाँ खुदावन, कैसा तुम? खुदावन ठीक नहीं है। क्या है? मेरी औरत बीमार है। क्या बीमार है? ये वो बताया, साहब ने कुछ दुआ बताई, कुछ दुआ फरमाई, खुदावन ये मेरी लड़की है, इसको ये तकलीफ है, साहब ने उसके लिए कुछ दुआ बताई, कुछ दवा दी, खुदावन ये मेरा दामाद है, खुदावन ये मेरा बेटा है, ऐसा उसने कुछ 8-10 अपनी फैमिली के आदमियों की बातें मौला के पास की, और मौला 30-35 मिनट बैठे, सबकी बात सुनाई।
दो आशीष मौला उठ के दूसरी मेहमानी में गए, दो मेहमानियां छोड़ के जब चौथी मेहमानी में गए तो एक चमड़े का व्यापारी, मामूली आदमी लेकिन मोहताज नहीं, ठीक था, खाता पीता था, लेकिन उस आदमी के सामने यह गरीब था। इसने 1200 रुपए मेहमानी में रखे, लिमिट नहीं थी उसकी, मिनिमम थे 101 रुपए, 1201 रुपए मेहमानी के रखे। मौला आके बैठे, मुखी ने कहा खुदावन ये फलाना फलाना है, अभी 3-4 साल हुए वो आदमी बंबई में गुजर गया बहुत बड़ी उम्र के बाद, कैसे हो? खुदावन तेरी मेहरबानी, और आंखें रोतियों में इस खुशी से कि मेरा मौला मेरे पास आके मेहमानी खाया। मेहमानी का मतलब समझते हो? हजर इमाम के घर पे जाके जब हम मेहमानी देते हैं, घर पकाओ और मौला के घर जाके लेके जाओ, वो मेहमानी है। लेकिन हमने एक और लफ्ज निकाला उसमें से, खादा खोराकी। आप मौला को जाके कहो या मौला मेरे घर पे आके खा, वो खादा खोराकी है। मेहमानी ये है कि आप अपने घर में से पका के मौला के घर जाके खिलाओ उसको, लेकिन खादा खोराकी ये है कि मौला आपके घर आके खावे। तो इस आदमी ने हकीकत में खादा खोराकी की रकम रखी थी, मौला उसके ऊपर बहुत राजी हुए। फरमाया तेरी कोई मुश्किल है, कोई शिकायत है? नहीं, कुछ खुदावंद, कुछ नहीं। तुझे कुछ पूछना है? कुछ नहीं। तेरी हालत कहती है तेरी मेहरबानी, कोई चीज पूछी नहीं। हालांकि तकलीफ होगी कि नहीं होगी मौला जाने, लेकिन इसने हजर इमाम ने 3 दफा दोहरा के पूछा तुझे कुछ कहना है? नहीं। खुदावंद तूने मेरी मेहमानी कबूल की, मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ। व्यापार कैसा है? बहुत अच्छा, तेरी रहमत है। घर में भी सब भाई अच्छे, आज सब खुदावंद ठीक है, तंदुरुस्ती अच्छी, खुदावंद सब ठीक है, कोई शिकायत नहीं की। ये है इश्क व ईमान, दोनों मौला के मुरीद हैं, मगर दोनों में फर्क ये है। ऐसा ही हम जब दुआ पढ़ते हैं, दीनदारों, तो जमात में 500 आदमी बैठे हुए ना, तो दुआ तो कोई कोई पढ़ता है, सब नहीं पढ़ते। अरे मिशनरी सब, अभी अभी इधर ये सारी जमात ने दुआ पढ़ी। हाँ, सारी जमात ने दुआ में शमूलियत की, लेकिन दुआ तो कोई कोई ने पढ़ी। कोई घर बैठा था, कोई दुकान पे बैठा था। ये बदन जो है ना, ये तो मिट्टी का पुतला है, असल हकीकत तो हमारा ख्याल दिल है। शरीर बदन जमात खाने में है और हम बाहर घूम रहे हैं। कोई घर पे है, कोई दुकान पे है, कोई नीचे गया है, कोई दोस्त को याद कर रहा है। दुआ तो कोई कोई पढ़ता है, कोई कोई। सब जुगा सुता, मेरा खालिक जागे, खुदावंद जागे, और उस मौला को कोई कोई देखे। मौला सबको देखे, लेकिन मौला को कोई कोई देखे। सब लोग दुआ पढ़ने आते हैं, लेकिन सबको दुआ पढ़नी नहीं आती। कि जमात खाने में गत के अंदर आके फायदा एक और है। मानो मां की गोद में 1 महीने का बच्चा सोया है, ध्यान से सुनना मेरे इस पॉइंट को। मां की गोद में 1 महीने का बच्चा सोया है और जमात सारी बैठी है, 500 आदमी की, 1000 आदमी की, और दुआ पढ़ रहे हैं। दिनदारो, वो बच्चे का जीव बहुत ऊंची किस्म का आला दर्जे की रूह है। हालांकि वो सोया है, मगर उसकी रूह जागती है। उस छोटे बच्चे की रूहानी बुलंदी की वजह से सारी गत की दुआ कबूल होती है। बाज दफा बच्चा समझ लो, बाज दफा हो सकता है कि कोई 80 बरस का बुजुर्ग बैठा है,
पर 25 बरस की जवान बच्ची बैठी है, रूहों का मालिक तो हजर इमाम है। किसी का रूह जो बहुत बुलंद है, कोई आबिद है, परहेजगार है, मौला के नूर को पाए हुए हैं, मौला के प्यारे हैं, वो जब जमात में बैठे हैं, भले हमारे ख्याल नहीं लगे, भले हम लोग बाहर भटकते रहे, भले हमने ध्यान से दुआ नहीं पढ़ी, लेकिन वो एक या दो रूहानियां जो आला दर्जे की रूहानियां जमात खाने के अंदर बैठी दुआ पढ़ रही हैं, दीनदारों उनकी खातिर हम सब की दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए जमात खाने के अंदर आके दुआ पढ़ना जरूरी इसलिए है कि मैं कमजोर हूं, ज़ईफ हूं, गुनहगार हूं, मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन हो सकता है जमात में कोई ऐसा सती जीव बैठा है कि जब वो दुआ पढ़ता है तो उसके साथ साथ हमारी भी दुआ कबूल होती है। गुजराती में कहते हैं ना कि गन्ना जब ही उगता है तो उसको पानी देते हैं, तो सेड़ी को पानी देते हैं तो एड़ी भी पीती है। इस तरह होता है। ज़ंज़ीबार के अंदर इधर आके हजर इमाम ने कराची के अंदर जब ये चार भाइयों को खड़ा किया और माँ बाप ने फरमाया इन्होंने मुझको यहां बुलाया है, लेकिन 1905 के अंदर ज़ंज़ीबार के अंदर एक औरत थी, मैंने उसको देखा नहीं लेकिन उसके लड़के को, उसकी औलाद को मिला हूं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जब आए तो जमात में बैठ के सारी जमात को कहते हैं मुझे इसने बुलाया है इधर। एक जीव के कारण सारी जमात को दीदार हुआ। इमाम अगर हमको ये कहते हैं ना कि तुम रोज जमात खाने में आके दुआ पढ़ा करो, उसका भेद ये है दीनदारों कि हमारी दुआ में ध्यान नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगती, तो उसका मतलब है कि हम दुआ नहीं पढ़ते। लेकिन जमात के अंदर कोई ऐसा आला दर्जे का जीव बैठा होता है ना, उसकी खातिर हमारी दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए हर रोज जमात खाने आके दुआ पढ़ो। वो भाई बहन के जो शाम को नहीं आ सकते तो सुबह आओ, लेकिन मोमिनों दो वक्त आओ, दो वक्त नहीं बनता तो एक वक्त जमात खाने जरूर आओ, जरूर आओ, जरूर आओ। कभी कभी खुदा किसी जानवर की वजह से रोजी देता है। एक बहुत बड़ा फकीर था, उसने एक बकरी पाल रखी थी। फकीर को मगरूरी आई तो एक कोई और बहुत बड़ा आला दर्जे का जो उससे भी ऊंचा फकीर था सफर करते करते इसके पास आया और ये उसको पहचान गया। उसने कहा कि तू मगरूरी छोड़ दे, खुदा तुझको जो रोजी देता है तो ये बकरी की वजह से देता है, अगर ये बकरी मर जाए तो तू भूखे मर जाओ। कभी कभी कोई ऐसा जीव हमारे घर में पैदा होता है, गरीबी होती है, तंगी होती है पैसे की, लेकिन बाज कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है कि थोड़े टाइम के बाद चढ़ती हो जाती, उस बच्चे के कदम पड़ने से घर में बरकतें आ जाती हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि कभी किसी लड़की की शादी हो गई और ये चली जाती है तो ये पीछे घर वाले डाउन हो जाते हैं, क्यों, वो पांव उठा के चली गई, वो लड़की की किस्मत बुलंद थी, बड़े जीव की थी। ये एक दूसरे के साथ हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए जब जब जमात खाने में आते हैं हम एक हो जाते हैं। जमात है, गत है, और गत न कहा नर जी माने, मादिन मा नहीं पूछाए। गत जमात के अंदर बड़ी पावर है। मैंने कल ही एक जगह कहा था कि गत में चार किस्म की अथॉरिटी मौला को दी हुई है। बात में से बात निकली है तो हमारे रिक्रिएशन क्लब के प्रेसिडेंट थे मेजर अली मोहम्मद रहमतुल्ला मकलाई। बहुत बरसों तक इन्होंने इस्माइलिया एसोसिएशन, जिसका पहला नाम रिक्रिएशन क्लब था, उन्होंने बड़ी खिदमत की। एक दिन मौला पूछते हैं, मकलाई तुम रोज जमात खाने जाते हो? कहते खुदा उनमें रोज नहीं जाता। क्यों?
सब कामकाज बहुत होता है, शाम को मैं हवाखोरी के लिए हैंगिंग गार्डन पे जाता हूँ, वल्केश्वर के रास्ते पे हैंगिंग गार्डन है। देखो तुम मिशनरियों के प्रेसिडेंट हो, तुम रोज जमात खाने नहीं जाते। कहते खुदा मैं दुआ पढ़ लेता हूँ। माँ बाप फरमाया ठीक है, लेकिन जब तुम जमात खाने से मेरे घर के बाहर जब तुम दुआ पढ़ते हो तो तुम मुझको बुलाते हो, जब तुम मुझे बुलाते हो तो मेरा मान इज्जत इस्तकबाल तुम करते रही हो। तो वो तो बड़ा हैरान हुआ कि बात सच है, हजर इमाम को हमने बुलाया तो कम से कम हम खड़े होके ये समझे अगर तो, या मौला का दीदार करते होने तो मौला का इस्तकबाल करें। उसने कहा सच बात है खुदावन, अगर तुम मेरे घर पे आओ तो मैं तुम्हारा दरवाजे के ऊपर खड़ा इस्तकबाल करता हूँ, आओ आओ मेरे बच्चों आओ। माँ बाप फरमाया दरवाजे के ऊपर मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम जब भी आते हो मेरे एक हाथ में रुमाल है, मैं रुमाल से तुम्हारा मुंह पूछता हूँ यानी डस्ट पूछता हूँ, गिर्दो गुबार साफ करता हूँ, और वो गिर्दो गुबार तुम्हारे गुनाहों के वो भूल चुके जो अजाने हो जाती है, फिर मैं तुमको छांटा देता हूँ, बरकत का रूह का छांटा देता हूँ, नूर का छांटा देता हूँ। तो जमात खाने में जब तुम एंटर होते हो तो तुम पाक साफ होके आते हो। अब तुम मुझे बताओ कि जमात खाने में आके दुआ पढ़ना बेहतर है कि जमात खाने के बाहर दुआ पढ़ना बेहतर है। उसने माफी मांगी कि खुदा मैं जाया करूंगा, रोज जमात खाने आओ दीनदार हो, इधर आके इमाम जमान की इन नियामतों को पाओ। मैं आपको बीच में कह गया कि अगर हमारी कंसंट्रेशन लगे और दुआ के अंदर कंसंट्रेशन की आदत पड़ गई तो बैतुल ख्याल बड़ा इजी बन जाता है, आसान हो जाता। तो जब ये पुठियों के अंदर इमामों के नाम लेते हैं और आपका मन होवे कि रसूलुल्लाह का दीदार करना है, इस जमात खाने में खड़ा हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं आपको रसूलुल्लाह का दीदार होवे, मेरा ईमान है हजर इमाम इधर बैठा मेरी आवाज सुन रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके दिल में ऐसी कॉन्सेंट्रेशन और मोहब्बत होवे कि जिस वक्त हम कहते हैं ना पांचवें पाठ में कुल हु अल्लाह की सूरत के बाद अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा बिहक मोहम्मद अल मुस्तफा व अली अल मुर्तजा व फातिमत जहरा वल हसन वल हुसैन, तो उस वक्त अगर आपका मन चाहे कि मुझे रसूलुल्लाह को देखना है आप उसको देख सकते हो, आपका मन चाहे कि भला अली मुर्तजा 1400 बरस पहले हमारे अव्वल इमाम कैसे थे, कैसी दाढ़ी थी उनकी, कैसी शक्ल थी, तो आप उसको देख सको। जिस इमाम का आप ख्याल करो आप उस इमाम का दीदार कर सको। अरे 48 इमामों के जमाने की फोटो फिल्में इस एटमॉस्फियर के अंदर हैं, कैमरा वो जमाने में नहीं था, मगर आप में ताकत चाहिए। ऐ मौला तू आ मेरे दिल को बांध डाल, अपनी मोहब्बत में बांध डाल या मौला। और ऐ मौला तू ऐसा कर के मैं हमेशा तेरे पांव में पड़ा रहूं। स्वामी राजा मोरे मन थी ना विसरे जी, मुझे ये पाठ बहुत पसंद है, 2-4 दफा बोल चुका हूं। स्वामी राजा मोरे मन थी ना विसरे जी, सुनो सुनो मो मन रहिया ओ जीरे भैया। ए भाइयो सुनो, वो मौला है मेरे दिल से बिसरता नहीं, फरामोश नहीं होता, और यही चीज खुदा ताला फरमाया है
जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है, मुझे याद करता है, तो मैं उसका जिक्र करता हूं। उस मौला से प्यार करो, उसको बहुत याद करो, जमात खाने के दर्जे को समझो, दुआ की ताकत को समझो, और इस गत के अंदर कोई ना कोई ऊंची करनी कमानी वाला सती जीव है, उसका फायदा उठाओ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नूरानी ताकत बढ़ाओ। दीनो दुनिया आपके पाँव में आ जाएंगे, आप जो कहोगे वो होगा, कहने की जरूरत नहीं, आप इरादा करोगे दिनदारा वो चीजें हो जाएंगी। फिर भी उस दर्जे तक पहुंचने के लिए दसवंद बराबर दो, दसवंद बराबर दो, और फिर देखो उसका मजा। दसवंद दो, बरस छह महीने के अंदर आपको उसका फायदा पता लगेगा। अपनी कमानी अच्छी करो, आधी रोटी खाओ लेकिन सुख की खाओ, जल्दी से मालदार बन जाने की ख्वाहिश न करो। वो धनी को चाहिए तो सुबह आप फकीर हो, शाम तक आप बादशाह बन जाओ, और अगर वो धनी चाहे तो रात को बादशाह सो जाओ, सुबह फकीर उठो। वो परवरदिगार बहुत ताकत वाला है। जमात खाने रोज आओ, अगर कोई ऐसी बात पड़ गई कि नहीं पहुंच सके, कहीं दूर हैं, जहां भी हो दुआ पढ़ लो। हर दोपहर को 12 और 1 बजे के दरमियान, ये कोई लाजिम नहीं है, कोई इमाम का फरमान नहीं है, मगर मैं आपको एक टिप देता हूं। इंग्लिश में टिप कहते हैं, घोड़े भागते हैं ना, तो कोई बोलते हैं मैं तुझे टिप दूं, वो फलाने नंबर के घोड़े पे लगाओ, वो टिप सच्ची होगी तो जीत जाएगा, 10 रुपए के उसको हजारों मिलेंगे। तो मैं आपको एक भागते हुए घोड़े का नंबर बताऊं, बड़ी रकम मिलेगी। दोपहर को 12 और 1 बजे के दरमियान किधर भी हो, सुभान अल्लाह की एक तस्बीह निकाला करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारी तस्बीह 101 दाने की तस्बीह निकाला करो। बस मांगने की कोई जरूरत नहीं, आपने तो मौला को एक मेहमानी के तौर पे एक तस्बीह पेश की है। अमाल अच्छे करो, आपका दिल रोशन होगा। अपने स्वभाव को ठंडा रखो, चिड़िए और गर्म स्वभाव वाले, गाली बकने वाले, जल्दी गुस्सा करने वाले, ये नूरानी आदमी ऐसे नहीं होते हैं। सहनशीलता रखो, हलीमी नरमी रखो, किसी ने गाली दे दी तो चुप रहो, उसके लिए दुआ करो, मौला एक कुत्ता भौंकता है तो मैं थोड़ा भौंकूं, चुप रहो, शांति से रहो, नेक बनो। कभी किसी ने दुश्मनी की है और कुछ दिनों के बाद वो तकलीफ में आ गया तो आप सामने जाके उसकी मदद करो, तो वो दुश्मन आपका दोस्त हो जाएगा। ये वो नेकियां और फूल हैं हमारे मजहब के जिन पे अमल करने से आपके अंतकरण में सूरज की तरह रोशनी होगी। सुखी आबाद रहो, मौला आपको नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में बरकत देवे। मौलाना हज़रत इमाम आपको हमेशा अपने छत्र छाया में रखे, मौला आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा राजी होवे, आपकी आला औलाद के ऊपर राजी होवे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दसवें सुकृत में पूरा रखे, आफत बलाएं दूर करे, दीन और जमात के दुश्मन दफा करे। मौला तमाम बदियों बुराइयों से बचावे, नाफरमानियों से बचावे। मौलाना हज़रत इमाम आपके ज़हर बातुन में नूर अता करे, ज़हर बातुन दीदार नसीब। है जिंदा Thank you.